अभी हम मानू को कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं। आज का हमारा व्लॉग है, आज हम जा रहे हैं हॉटपॉट और अभी हम मानू को पिक करना है। हेलो भाई, हम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं, जल्दी से बाहर आ जाइए वरना कराची के जरूरतमंद लड़के आ जाएंगे। ओके ओके, जल्दी अल्लाह हाफिज। आ रही लड़के आ रहे हैं, नीचे रखो मोबाइल, तो देखो 125 पे आ रहे हैं। मैडम साहिबा आ गई है, हमारे साथ हमारे दोस्त इमरान भी है। बारी कड़ी लॉक लगा। तो भाई हम जो है ना मैजिक हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ठीक है, और मैं बनाऊंगी एक हॉट पॉट, ठीक है। और उसमें हम ना देखेंगे कि ना तालिश है। ये क्या है करते हैं वो हम करेंगे, समझ गया। क्या है बदतमीजी। यार मुझे देखो, मैं बहुत स्ट्रीट फूड खाने वाला बंदा हूँ, ठीक है। मैंने ठेलों के बहुत स्ट्रीट फूड खाया है, चाइनीज मैंने बहुत खाया है, ये बर्गर वाली चीज है मुझे नहीं पता, तो तुम मुझे सजेस्ट करोगी। मैं भाई मैं वहाँ के ठेले पे जाता हूँ, मुझे 150 बोलते हैं, मैं 100 रुपए करवाता हूँ उनसे, वो भी डिस्काउंट। ठीक है, तो मानो आपके लिए जो है 3 मेन्यू के अंदर और 3 कॉफी और बाकी एक ब्रो, उनके लिए भी यही है, ठीक है, इनके लिए वो तो आप जो ऐड करना है। मेरे लिए भी भाई, मैं भी आया हूँ भाई, मैं भी आया हूँ, मेरे लिए भी मंगाओ। अच्छा मानू सुनो, फिर ना हम दो हॉटपॉट मंगवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से जो है हम आपको बताता चलूँ, हम दो हॉटपॉट मंगवा रहे हैं जिसमें हम एडिट करेंगे, और जो है एक मानू बनाएगी और जो मैं स्ट्रीट फूड खाता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं स्ट्रीट फूड खाता रहता हूँ, मैं अपने टाइप का बनाऊंगा, तो देखते हैं कौन ज़बरदस्त बनाता है। और ये हम साथ अपने जज भी लेकर आए, एक ये आपका नाम क्या है, हिबा, और आपका नाम क्या है, इमरान। तो भाई ये दो लोग हैं, एक मिनट को पहले मुझे सुनो, तो भाई ये दो लोग आए हैं, ठीक है, और हम लोग हॉटपॉट बनाएंगे, ठीक है, और फिर जो इनको खिलाएंगे। और ये लोग भाई देखो सच से बताना, ठीक है, सच से देखो, चिटिंग नहीं करना, अगर तुम मानू के साथ आइए तो ये मतलब नहीं है इसका कि तुम बोलो इसका अच्छा बना, ठीक है, अच्छा तो मेरा ही बनेगा, और जानी आप भी सही, आप तो मेरा ही बोलना सही है। तो भाई हमने दोनों को सब सिखा दिया है, और अभी हॉटपॉट आता है, फिर हम इसको मेक करते हैं, उसका बनाते हैं, मेक योर ओन वाला सीन है यहाँ पे। यार वैसे तो मुझे प्रॉन ही पसंद है, लेकिन चलो खैर दोनों बना रहे देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये दोनों चीजें बनाएंगे और फिर आपको बताते हैं और दिखाते हैं आगे का सीन कैसा है। सी फूड है, क्रैब स्टिक्स सही है। चलो ये कर दे, मैं ले लूंगी एक, ये करने कितने हुआ, टू आइटम्स हो गए। क्या हुआ, प्रॉन्स हुआ, हो गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार इसका मेन्यू, इतने सवाल तो मैंने किसी के टीचर में नहीं पूछे मुझसे, तो सारे सवाल। और इनका वो डन हो गया, यार पता नहीं, मैं तो खुद हाई हूँ। यार नॉर्मल कर दो, चलो मीडियम, ठीक है मीडियम। नहीं और ड्रिंक्स वाला, एक ड्रिंक दे गई, हां मैं सोच रही हूं। इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार, तुम मानती हो या नहीं मानती, ये बात कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है, बोरिंग हो गया सर। हाँ अभी हम ये अंडे वाले बर्गर वाले के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अंडे वाले कितने का, शाही वाले कितने का, सिंपल सिंपल शुरू कर दिया। अच्छा बताएं ये क्या क्या आ रहा है, ये आप ये घटिया, ये क्या, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, ये टूथपिक्स है, मैं बताती हूँ ना, ये नूडल्स हैं, ये नूडल्स है, ये हाँ ये चाइनीज नूडल्स है, ये कौन से नूडल्स आ गए, चाइनीज नूडल्स है, हाँ सही है, और क्रैब स्टिक्स, ये क्रैब स्टिक्स है, ये
और ये डम्पलिंग्स हैं, ये प्रॉन्स के बच्चे हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ये बताएं। ये ब्रॉथ है। ब्रॉथ है। अगर आप मतलब लोकल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे इसको? पर भी ऐसे अल्फाज शुरू करने लग गए। अगर लोकल लैंग्वेज बोले इसको क्या बोलेंगे आप? सूप बोलेंगे। सूप, सही है भाई, ये सूप है। बाउल कहेंगे। अब मैं बताती हूँ मेरा क्या क्या है। अभी हमारी दो चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब एक महानूर बनाएगी, ठीक है, और एक मैं बना। अगर हम सबको हाफ कर ले, तुम्हारे ये क्रैब्स को भी हाफ कर ले तो ठीक है, सही है। बेमांडी नहीं होगी ना? चूरी लाओ। देखो बेमांडी बेमांडी नहीं होनी चाहिए यार, चूरी। इसके बाद दिखाना है जरा, इसके बाद क्रैब पड़े हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रैब स्टिक? बापी आप भी तीन तीन कर लो ना। ये क्रैब स्टिक है, ठीक है। बापी आप भी आए ना, दिखना। ये छह स्टिक पड़े हैं, छह में से हम तीन मैं अपने हॉट पॉट में मिलाऊंगा, ठीक है। और ये चिकन के पीसेस कितने? ये बेसिकली है इसीलिए कि आप पॉइंट आउट करें। सही है। बाकी ये एक पूरी प्लेट मिलाएगी इसमें, बाकी मैं पूरी प्लेट मिलाऊंगा। आप ये देखें कच्चे रखे रहेंगे, ये प्रॉन्स हैं सारे कच्चे हैं, ठीक है। और जो डम्पलिंग्स हैं ये भी कच्चे हैं। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़। हम ज़्यादातर हम जो है वीडियो बनाते हैं स्ट्रीट फूड की, आज महानूर लेके आई है मैं। हमने कहा चलो कि मैं आज नई चीज़ ट्राई कराता हूँ कराती हूँ कि मैंने सोचा था कि ये ना मैं क्या हूँ, मैं ये क्या है नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भी यही है यार, ये तो बनता है ना, ये क्या तो करना पड़ेगा मुझे। तो अभी जो है अब मैं बताती हूँ कि क्या करेंगे। इसमें से साढ़े दो आपका, साढ़े दो मेरा, इसमें से तीन आपका, तीन मेरा, और इसमें से डम्पलिंग्स कितने हैं? ठीक है, तीन मेरे, दो आपके। क्योंकि इसका हाफ आप नहीं कर सकते। नहीं, इसका भी हाफ होगा। हाफ होगा तो बराबर का होगा। डम्पलिंग्स देखे हमारे, ये है हमारे पास। बकवास हो जाएगा। चलो सही है यार, मैं बड़ा देता हूँ ना, तुम दे दो तीन पे, मसला नहीं है। नूडल्स आपके तो नहीं आए अब तक? नूडल्स मेरे नहीं आए यार, ये तो डिमांड हो जाएगी। पहले नूडल्स आ जाए हमारे, उसके बाद फिर हम दोनों पॉट बनाते हैं और फिर भाई और फिर सिखाते हैं पूरे पॉट साथ। ये तीन आपका, ये तीन नहीं नहीं बड़ो को एक मिनट को मैं बताता हूँ। ये कितने सिक्स है ना, ये एक तुम्हारा एक मेरा, ठीक है। ये दो तुम्हारा, ये नहीं ऐसा कुछ नहीं, दो मेरा, ये तीन तुम्हारा, लो मेरे तो बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका काम चला लूंगा। सही है। ये एक, ये दो, वो उधर वो लाए, ये कहाँ से दो कहाँ से लो, ये तीन, ये एक चिकन, ये चिकन को क्या पोलियो क्या तैयार। और ये मानू के पास तीन चिकन जा चुके हैं, मेरे पास भी तीन चिकन आ चुके हैं। मानूर के पास तीन डम्पलिंग्स जा चुके हैं, मेरे पास दो डम्पलिंग्स है। और ये क्या है, मैं डाल रही हूं, ये क्रैब स्टिक है, ठीक है। मैं इसको इसके अंदर डाल, ये मानूर का पॉट है, दिखा दूं मैं आपको, पहले बता दूं ये मानूर का पॉट है और ये मेरा पॉट है। मेरा ज्यादा स्पाइसी है, इनका मीडियम है और मेरा मीडियम है। ऐसे डालते हैं ना, कुछ इसको कुछ करना तो नहीं होता ना। और फिर डालूंगी प्रॉन्स, वो तो देखने वाले बताएंगे हमें कि हम पॉट कैसे बनाते हैं। हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, हमें पता नहीं था। और ये देखिए मानूर जो है ये बर्गरों की तरह डाल रही है स्पून से, ठीक है। चॉपस्टिक से, हाँ सॉरी चॉपस्टिक, ये भी बोलना नहीं आता किया है, ये भी बोलना नहीं आता है। सही है, ये चीजें हो गई। मानूर यार आपने सब चीज ऐड कर ली ये थोड़ी जी। हाँ जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे डालती हूँ। बर्गर मेरा चिकन रह गया, ये हमने डाले, ये क्रैब के चॉपस्टिक है, ये हमने डाला, ठीक है। ये दूसरा, ये दो डाल दिए, ये हमारे डम्पलिंग्स हो गए, ये डम्पलिंग्स डाल दिए हमने, दो डम्पलिंग्स डाल दिए, और ये चिकन, दूसरा चिकन, और ये तो चिपक गया, और ये तीसरा चिकन, और ये तो चिपक गया। लो भैया ये तो यहीं चिपक गया। नूडल्स भी डालो। सही है, नहीं नहीं नूडल्स चाहिए, थोड़ा सा पक जाए उसके बाद। यार मुझे इन लोगों से कुछ पूछना है, ठीक है। अब हम डाल रहे हैं प्रॉन्स, क्योंकि हमें पहले प्रॉन्स बनाने हैं। तुम अपना बनाओ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह बनाऊँ। ऐसे डाल दो ना सारे, क्योंकि हम बर्गर नहीं है, हम तो हाथ से मिलाएंगे। तो सीट को खाया जब तक गलाजत नहीं, लज्जत नहीं वाला सीट, बात सुने, ठीक है। और ये हमारे नूडल्स हैं, थोड़ा पक जाए उसके बाद हम ये बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट हमने ऐड कर दिए, ठीक है। ये चॉपस्टिक है, हम इससे अभी इसको मिक्स करते हैं। भाई ये जो है ना, मुझे पूछ पूछ के बना रही है, चिटिंग कर रही है ये। लेकिन हम जब नूडल्स घर में बनाते तो फुल नहीं डाले भाई, ये तोड़ के ऐसे करके डालना है ना, तोड़ के डालना होता है। मानूर और डालू, तोड़ के डालना होता है ना इसको,
और डालूं? भाई आप बताओ, मैं सही बना रहा हूँ नहीं गलत बना रहा हूँ? ठीक है, आपने सही बनाया है। और मैंने, आपने सभी डाल दिए, अब क्या आपको क्या रोकूं? अच्छा सब डाल रही है, मानी बर्गर की तरह सब डाल रही है। इसको ना जल्दी ऐसे ऐसे करें ताकि वो हो जाए। अच्छा मैं अब ये नहीं डालूं, कब डालूं? देर से डालूं? यार मुझे बता दो नेक्स्ट राउंड। अच्छा अभी थोड़ा अलग से नूडल्स पक जाएंगे। मानू ने स्टार्ट पर किया पूछ के, ऑफिस वाले ही मुझे ये कहते हैं मानू। यार कोई बात नहीं, पेट भी आगे ना चीजें एक जैसी हो जाती है, फायदा नहीं। नॉनसेंस, ये हमारे थोड़े बहुत रह रहे। कब से हो ही रही है, इतनी लंबी हो रही है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, कितनी देर में बन जाता है ये? 5 से 7 मिनट। अच्छा एक बात बताएं, अभी हमने गलती कर ली, सब चीज़ें एक साथ मिला दी, ठीक है? अगर हमारे बाद कोई और आता है, वो बनाने का सही तरीका क्या है? इसके डम्पलिंग पहले डालें, ठीक है? चिकन डालें, ठीक है? उसके बाद नूडल्स हाफ करें, ठीक है? और उसको हिला दो, 5 से 7 मिनट में कुक हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए जब ब्रॉथ रिफिल होता है ना, हाँ, उसके बाद फिर नूडल्स डलते हैं, फिर डम्पलिंग डलते हैं, फिर चिकन डलता है, फिर जो भी एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है। सुन लिया भाई, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मेरा मेरी तो सारा सामान भी आपने डाल दिया, तो अभी ये इसके लिए रोक दें वरना जल जाएगा आपका पॉट जो बना बना है, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अब फिर जो मेरा जो सामान, मेरा तो नहीं होगा ना यार। आपका साइड आपका कैसे नहीं होगा, मेरा हो जाएगा, उनका नहीं होगा? आपने डायरेक्ट डाले ना, उन्होंने तोड़ के डाले। एक काम तो अच्छा किया मैंने। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये भाई मेरे साथ है, मैंने भी थोड़ा थोड़ा तोड़ा। भाई देखिए मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये हमारे क्रैप के जो स्टिक्स है ना, वो जो है ना वो मतलब थोड़े थोड़े मेल्ट होने लग गए। मैं काम करूंगी, जब मैं इसको निकालूंगी मुझे जल्दी से रिफिल करके लाके देगा, ताकि मैं नूडल्स बन जाऊं। ये सारे सामान होगा ना, वो सारे सोर्सेस लगा लेके आज यहाँ पे आके, लेकिन मेरी तरह बना नहीं पाएगी। इसको पता नहीं इससे टक्कर किससे लिए, आपको ऐड करना था ना उससे पहले, आप मुझे बुला लेते तो मैं आपको पता नहीं। एग्जामिनर है, इनको बुला देते, ये तुम्हें सेटिंग करवा देते थोड़ी और। भाई हमने सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें ऐड कर दिए, सही है? इसमें डम्पलिंग्स गए हैं, इसमें नूडल्स गए हैं, इसमें जो है ना क्रैब के स्टिक गए हैं, क्रैब के स्टिक कहते हैं ना, क्रैब के स्टिक गए हैं, ठीक है? और ब्लॉग कैसे बनाऊंगी? और फिर अब जो है ना, उन्होंने बोला कि 5 से 7 मिनट में बन जाएगा, हम इसको कैप कर देते हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं शक्ल कैसे बन के निकल के आती है, ओके? तो भाई हमारा जो है ना पॉट रेडी है, मानूर का अभी तक बना ही नहीं है, सही है? हम पता है, हम जो है ना ये यार देखो, चलो नहीं यार, यार चलो नहीं, आप शक्ल देखे कैसे बन गया, और उसका भी दे दिखाओ यार, दिखाओ उसका, बिल्कुल बना ही नहीं है। मजे का बन गया सारा ये डंपिंग, और उसको ना उसको जो है ना कैप करके रखना होता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता रखना होता है ना, जल जाता है, पूछे देखा, ये कैप करके भी रखा भाई, मेरा ही बनने वाला था। 5 मिनट के लिए आपको कैप करना होता है, ठीक है? मैंने कर लिया है, मेरी चीजें बन गई हैं, ठीक है? और यार यार इधर की शख्स की शक्ल देख के बताना, ये बन गया है, ये पक्की बात है? Wait, let me check. अब ये मतलब ये फ्लेम जो ये लगी रहेगी, मतलब ये बननी होगी, क्रैब पक गया भाई, ये क्रैब देखें बन चुका है बिल्कुल, और पकड़ने पे भी बिल्कुल टूट रहा है, ठीक है? ये हमारे जो है चिकन के पीसेस थे, ये भी जबरदस्त से रेडी हो गए, ठीक है? डाल दूंगा, मेल्ट हो गए, नहीं हो ना क्रैब कैसे मेल्ट होंगे, उनके मेल्ट ही आपके जैसे होंगे। डाल दे भाई, क्रैब गायब हो गए, आप चेक करें, क्रैब ही गायब हो गए यार, इसको उतारो बस, चीजें गायब हो रही है। ये जो बरबुदा ट्रायंगल बना दिया इसने, चीजें गायब हो रही अंदर जाके। भाई ये देखिए, ये होता है स्ट्रीट फूड ब्लॉगर, ये होता है चीजें दाने सामने नजर आ रही है, ये कलर उतर गया, ये कलर उतर गया, देखे इसकी चीजों का कलर ही उतर गया, हमारी चीज कुछ कलर वैसे है। मुझे मेरा वो दे, मुझे उतारना है सामान। सुना है कि लड़कियां अच्छी कुक होती हैं, लेकिन आप देख लें, कहते हैं ना दुनिया के सबसे मशहूर जो सबसे अच्छे बेस्ट कुक जो होते हैं मर्द ही होते हैं, और मैं तो कुक भी नहीं तब भी अच्छा बना रही हूं, और फर्स्ट टाइम बनाया वो भी। आप निकालेंगे यार, ये मुझे निकाल दें जरा, कैसे निकालूं, कैसे निकालेंगे? मेरे जो ना मेरा भी पॉट रेडी है, ठीक है? अभी ये सर्व होने जा रहा है, खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है, किसी तो पानी कम और किसी के जलने की बदबू भी आ रही है। ये रेडी हो गया, हमारा सब रेडी हो गया। अब ये देखिए लड़कियां जिस तरह मेकअप करने में और कहीं जाने में रेडी होने में टाइम लगाती है ना, ये जला जला पानी ना मुंह में डालूं, अभी तक बना रही है, और हमारे दोनों चीजें रेडी और फारिग भी हो गए। हाँ तो मानू सबसे बताओ कैसा था ये, किसने क्या खाया पहले ही बताओ, कैसा है? पकने बाकी है, कच्चे आई है, बुरा नहीं लग रहा, कच्चे कच्चे से कच्चे नहीं है। चले भाई, ये हमारे जज खड़े हैं, ठीक है? ये हमारी जज है ये, और एक गेर है, और हम इनको अपने अपने पॉट चेक कराएंगे, बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू दे भाई, हॉनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है? नो पेड मार्केटिंग। तो अभी जब मानूर इनको खाने दो, या तुम खुद खाने आई थी क्या? ठीक है, तो अभी जो है हम अपने जजों को जो है ना चेक कराएंगे पॉट, और फिर बताएंगे मैंने कैसे बनाया और मानूर ने कैसे बनाया, ठीक है? तो अभी ये दोनों चेक करके बताएंगे, दे दो
भाभी मुंह डम्पलिंग भी चखे। ये शक्ल मुझे बता रही है ना सारा गिर गया कपड़ों पे। कैसा है? अच्छा है, मुझे पता है अच्छा, अच्छा है। अच्छा आप इमरान को खिलाओ। आप इमरान तुम चेक करना भाई, ये जो है ना मानू ने बनाया है। सही है और पॉट मैं पहले हिबा ने चेक कर लिया। हिबा ने बोला अच्छा, हिबा अच्छे अच्छे मिर्चे बस टेस्ट याद रखना ठीक है। इसके बाद मेरा वाला खाना फिर बताना दोनों में से अच्छा कौन सा है ठीक है। अब ये डंपलिंग्स है, मैं ये सॉस में लगा के ना स्टार्ट भाई जल्दी जल्दी लंबी नहीं खा के बताओ। डंपलिंग्स कौन देता है नूडल्स? सबर करो रुको जरा सबर। बोले तो अच्छा है, बोले बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है, फैंटास्टिक है। अच्छा सही है। अब रुको निकलो बस रुको जरा सबर करो रुको। अब मेरी बात, ये मेरे वाले हैं ठीक है। पहले यहाँ से टेस्ट कराता हूँ मैं। यार ये हो गए क्या? ये लो चलो मानू हो गए। बता भाई किसका अच्छा है। अब अपना ये फ्लेम बंद करें, मैं इसको सब में डाल दूंगी, इसको मिक्स कर दूंगी। सेम सेम है, एक रुको थोड़ा सा स्पाइस लेवल डिफरेंट है। यार ये बताइए बाप स्पाइस लेवल मेरा कम है? डिफरेंट है दोनों का देखा उसने बोला तालिश के तालिश अच्छा बताए। ये बार नूडल्स बताए है ये बिक गई है गवर्नमेंट सच में। टेस्ट लेस है मेरा वाला क्यों? ये कैसे नहीं है सूप नहीं है। ये ले भाई ये ले सूप, ये ले सूप बहुत ये ले। आप मुझे भाई रुको ना सूप चुराया है। ये ले सूप मिलाए आप बताएं मुझे इसको ना यहाँ से क्या बताएं भाई कैसा है? सेम दोनों का सेम है यार। मानू ये क्या बात है मानू, ये बोला सेम है, ये भी बोला सेम, ये भी बोला सेम। मैं बताती हूं ये मेरा वाला बाउल है ठीक है। दोनों हाई हो गए होंगे हां ना वो मिक्स कर दिया दोनों सेम हो गए सेम है। कैसा है मेरा वाला? ज्यादा अच्छा है। अच्छा है ना, ये मेरा वाला था चलो दे दो। तो भाई हमारा पॉट रेडी है, मेक योर ओन का सीन था यहाँ पे कि आपको जो है ना अपने कुछ चाइनीज जो भी खा रहे हैं आप वो खुद ही बनाया था। और मैं यहाँ पर आज आया हूँ मानूर के साथ। मानूर ने मुझे इनवाइट किया था कि आप हॉट पॉट पे हैं और यहाँ का चाइनीज़ ट्राई करें ठीक है। तो मैं चाइनीज़ मैंने खुद बनाया है सारी चीज़ें, आप वो फिर वीडियो पर देखिएगा। तो अभी ये दो है ना ये क्रैब के स्टिक्स हैं ठीक है, ये डम्पलिंग्स हैं, ये चिकन है। तो अभी मैं अपना खुद का जो बनाया है वो ट्राई करता हूँ और फिर बताता हूँ सीन कैसे हैं। ये लेते हैं हम इसके साथ, इसके साथ इस तरह का सिनेरियो नहीं है, सिर्फ इसकी बहुत मजेदार है यार। इसकी लोकेशन है फेरी स्ट्रीट में ठीक है, मैजिक दी हॉटपॉट के नाम से। आप लोग भी आए ट्राई करें और हमें बताएंगे जरूर कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। इस दफ़ा हमने कुछ नया ट्राई किया, ये क्या वाला सवाल कम किया। इस दफ़ा हमने प्रॉपर ब्लॉग बनाया ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कॉन्टेंट देखना और मज़े इस तरह के कॉन्टेंट बनाए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा ठीक है। मिलते हैं अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.